हेलो फ्रेंड्स, रीना रसोई डॉट कॉम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीना रसोई में बेसन की एक यूनिक रेसिपी बताने जा रहे हैं। ये है स्प्रिंग रोल गट्टा। ये कैसे बनता है, इसको बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं, आइए देखते हैं रीना रसोई में। स्प्रिंग रोल गट्टा के इंग्रेडिएंट्स, इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है बेसन। ये 2 कप हमने बेसन छान कर लिया है और इनमें हम इन मसालों का प्रयोग कर रहे हैं। 1 से 2 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला लेंगे, 2 चम्मच हम सब्जी मसाला लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच हम गरम मसाला लेंगे, 2 चम्मच हल्दी लेंगे और 2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। आप इसकी जगह तीखे मिर्चे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन की रेसिपी हम बना रहे हैं इसलिए हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल लिया हमने, जितना लगेगा उतना हम यूज करेंगे। और 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है। बेसन की में अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। 1 चम्मच अजवाइन ली है। 1 चम्मच जीरा लिया है। नमक हमने 2 चम्मच लिया है। हम आवश्यकता के अनुसार, टेस्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और हमने 2 टमाटर लिए हैं, 1 बड़ा प्याज लिया है और 1/2 नींबू लिया है। इन सबको हम मिक्सी में पीस कर तैयार करेंगे और इसका फ्लेवर अच्छा बढ़ाने के लिए हम इसमें हरी धनिया का प्रयोग करेंगे और हींग का प्रयोग करेंगे। अब हम सबसे पहले गट्टे को उबालने के लिए हम कढ़ाई एक चढ़ाई है, इसमें हम पानी डालेंगे। हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया उबलने के लिए। तब तक हम इस बेसन का सान के एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने बेसन लिया है 2 कप और इसमें ये अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालिए, इससे इसका फ्लेवर टेस्ट और बढ़ जाता है। ये डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, इसलिए हम इसमें मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं। और थोड़ा सा इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि अभी हमको मसाले में भी नमक डालना है और बॉयल्ड करते वक्त भी नमक डालना है, इसलिए हम नमक थोड़ा सावधानी से डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पिसा मिर्चा, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। बेसन में बहुत कम पानी लगता है इसलिए एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं बेसन सानने में पानी का प्रयोग बहुत कम होता है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। बेसन का डो हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए इतना सॉफ्ट डो है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां काटेंगे, जैसे आप रोटी बेलते हैं उस तरह से आप थोड़ी सी मोटी मोटी लोइयां लीजिए। अब एक एक लोई उठाकर हम बेलेंगे। हल्का सा हम इस पर ऑयल लगाएंगे जिसे बेसन है आपके चकले पर चपके नहीं। अब जितनी बड़ी आप रोटी बेलते हैं उतना बड़ा इसको हम बेलकर तैयार करेंगे। इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये हमने रोटी से ज़रा सा मोटा बेला, बहुत ज़्यादा ना मोटा बेलो कि इसको अभी हम रोल करेंगे इसलिए ये और मोटा हो जाएगा। अब इसको हम एक तरफ से ऐसे करके इसका हम ये रोल बनाएंगे। इसी तरह से अब हम आपको और करके दिखा रहे हैं। इस तरह से इसको एक तरफ से हम रोल करेंगे। ये एक बिल्कुल यूनिक और बहुत ही दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। इसी तरह से सारी लोइयों के हम गोले बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाना भी बहुत आसान है। बेलते वक्त आप ऑयल का प्रयोग करिएगा जिससे आपके आसानी से बेल जाएगा क्योंकि बेसन है बेलने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप ऑयल लगा लेंगे तो आपके बहुत ही आसानी से आप इसको बेलकर तैयार करेंगे। इसी तरह से हम सारी लोइयां बेलकर तैयार करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं, हमारा पानी खौलने लगा है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम एक ऑयल डालेंगे
ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं जिसमें ये जो रोल हैं ये आपस में चपके नहीं। अभी हमारा खूब अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है, इसमें हमने जो रोल बना के रखे हैं इस तरह से इसको डाल देंगे। इसकी पकने की पहचान क्या है ये अभी हम आपको बाद में बताएंगे। इसी तरह से हम सारे बेल कर और बॉयल्ड करेंगे। इसको धीमी आंच करके 5 से 7 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे। ये पक कर कब तैयार हुआ है, इसकी क्या पहचान है, ये भी जब ये पक जाएगा तब हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर हमने धीमी आंच पे रखा, थोड़ी देर तेज आंच पे रखा और ये देखिए पक कर तैयार हो गए हैं। अब हमने आपको बताया था कि पकने की पहचान क्या है। इसकी पकने की ये पहचान होती है जब ये पक जाएंगे तो जितने आपने देखे बेल के डाले हैं उससे ये बड़े हो जाते हैं, और जब पक जाते हैं तो जिस भवरते में आप इसको उबालेंगी ये उबल के ऊपर की तरफ आ जाते हैं। पकने के बाद ये हल्के हो जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं, ये इसकी पकने की पहचान है। और ये साइज से थोड़े देखिए बड़े हो गए हैं, ये बड़े हो जाते हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडे हो जाने पर इनके हम पीसेस करेंगे। इस तरह हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे। स्प्रिंग रोल गट्टा को हम दो तरीके से बनाएंगे, एक हम सूखे बनाएंगे, इसको आप स्नैक्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और एक हम इसको ग्रेवी वाला बनाएंगे। ग्रेवी वाले बनाने के लिए देखिए जिसमें हमने गट्टे को स्प्रिंग रोल गट्टे को उबाला था इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम इसको पानी को ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इसी कढ़ाई का हम फिर प्रयोग कर रहे हैं, उसका पानी हमने निकाल कर एक जगह रख दिया है। अब इसमें हम 6 से 7 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डाल रहे हैं क्योंकि बेसन की सब्जी है इसलिए मस्टर्ड ऑयल ही बहुत ज़रूरी है। अब ऑयल को हम खूब अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले जीरा डालेंगे। जीरे को हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। जीरा हमारा भूनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब ये जो हमने टमाटर और प्याज एक साथ पीस लिया था अब इसको हम सबसे पहले डालेंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे जिससे हमारा टमाटर भी खूब अच्छी तरह से पक जाएगा, तब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। टमाटर प्याज पक गया है, अब इसमें हम 2 चम्मच हल्दी डालेंगे। हम इस छोटी चम्मच से डाल रहे हैं, हम 2 डाल रहे हैं, आप लोग 1 डालिएगा। अब 2 चम्मच हम इसमें सब्जी मसाला डालेंगे। दो चम्मच चाट मसाला। दो चम्मच धनिया पाउडर। एक चम्मच गरम मसाला। कश्मीरी मिर्च 1.5 चम्मच, क्योंकि हम 1/2 चम्मच पहले भी डाल चुके हैं 1.5 चम्मच अब डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। हमने रोल में भी नमक डाला है, उबलते वक्त भी नमक डाला है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे और इन मसालों को धीमी आंच पर हम पकाएंगे। हींग जब आप तेल और जीरा डाल तेल डालिएगा, तेल पकने के बाद जीरा डालिएगा तभी हींग डालिएगा। हमारी हींग भूल गए थे इसलिए हम थोड़ा सा बाद में डाल रहे हैं। 1 चम्मच इसमें हमने हींग डाली है। हींग से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके धीमी आंच पर हम 5 मिनट पकने देंगे। तब तक हम स्प्रिंग रोल वाले जो गट्टे हैं उनको काट कर तैयार करेंगे। अब एक एक उठाएंगे और इसके हम 1-1 इंच के इसके टुकड़े करेंगे। ये देखिए ये स्प्रिंग रोल गट्टे हैं। ये देखिए 1-1 इसकी लेयर अलग है। ये खाने में
बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह से हम सारे इसके टुकड़े कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं धीमी आंच पर। हमारा देखिए मसाला खूब अच्छी तरह भूनकर तैयार हो गया है, सारी तरफ से इसमें ऑयल दिखने लगा है। अब इसमें हम अपने गट्टे जो काट के रखे थे, इसे देखिए इसके हमने रोल काट लिए हैं। ये स्प्रिंग रोल गट्टा है, तो एक एक इसकी लेयर अलग होती है और ये खाने में बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अब इन सब गट्टों को हम इसमें डाल देंगे, आँच को धीमा रखेंगे और इसको हम भूनेंगे। इनको 5-7 मिनट धीमी आँच पर हम भूनते रहेंगे जिससे सारे मसाले गट्टों के अंदर पेवस्थ हो जाएं। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ी धनिया डालेंगे। और आधा नींबू डालेंगे। ग्रेवी वाले गट्टे बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। देखिए जितने हमको ग्रेवी बनानी है उतने गट्टे हमने रोक लिए हैं, और ये जो पानी हमने उबाल के स्प्रिंग रोल गट्टों को उबाला था ये पानी हम डाल देंगे। और नमक आप अपने कार से टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक आपको कम लगता है तो थोड़ा सा नमक इसमें बढ़ा दीजिएगा और थोड़ा सा चाट मसाला बढ़ा दीजिएगा। अब इसको हम धीमी आँच पर 5 से 7 मिनट बॉयल करेंगे। ग्रेवी वाली गट्टे की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है स्प्रिंग ग्रे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। देखा आपने एक बेसन से कितनी बढ़िया एक नए तरीके की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसको आप स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, और जो हमने इसको आपको ग्रेवी के लिए बताया है इसको आप चावल रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बनाना कितना आसान है। इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर हम फिर मिलते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको जरूर करिएगा। इसी तरह की यूनिक रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।